दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाएं चलने से ठंड फिर बढ़ गई है। रात 11 बजे से ही घना कोहरा देखा जा रहा है, जो अभी भी बना हुआ है। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत का यही हाल है। शनिवार तड़के करीब 3 बजे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के पास अचानक भयानक कोहरा आ गया। सड़क पर 20 कदम आगे की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। आज सुबह दिल्ली के तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़क पर गाड़ियों के ड्राइवरों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली के द्वारका और धौलाकुआं में दृश्यता काफी कम है। यहां सड़क पर काफी मुश्किल से आगे वाली गाड़ी दिखाई दे रही है। शनिवार को राजधानी एक बार फिर शीतलहर की जद हो गई। मौसम में ऐसे उतार चढ़ाव अब 21 जनवरी तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से सर्दी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को अधिकतम तापमान कई दिनों के बाद बढ़कर 20.8 डिग्री पर पहुंचा। ये सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान भी 6.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। सुबह के समय घना कोहरा भी रहा, जिसके बाद में स्मॉग का रूप ले लिया। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके अलावा इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद अधिकतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवा की वजह से ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। सर्द हवा जारी रहेगी, इसके बाद ही सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब के इस ग्रुप नई दिल्ली।